बड़ी खबर आ रही है, जयपुर ईआरसीपी मामले पर 6 जुलाई को सम्मेलन होने वाला है। 11 बजे बिरला सभागार में 6 जुलाई को सम्मेलन होगा। वहीं 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन में जुटने वाले हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आगामी 6 जुलाई को एक ईआरसीपी मामले पर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें किसानों सहित सभी जनप्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। बिरला सभागार में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा सुबह 11 बजे। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में फैसला लिया गया है कि ईआरसीपी मामले के तहत 6 जुलाई को सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बिरला सभागार में। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया, जिसमें 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ईआरसीपी मामले पर 6 जुलाई को सम्मेलन होने वाला है। जयपुर में आज सीएम अशोक गहलोत के आवास पर यह फैसला लिया गया कि आगामी 6 जुलाई को बिरला सभागार में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ईआरसीपी मामले पर 6 जुलाई को सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे बिरला सभागार में यह सम्मेलन होगा, साथ ही 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन में जुड़ेंगे। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया है ईआरसीपी के मामले को लेकर बिरला सभागार में सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए सौरभ, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ईआरसीपी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को राजस्थान सरकार भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। जैसा कि कल ईआरसीपी को लेकर बैठक हुई थी और बैठक के दौरान ही हमने कहा था कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही पूर्वी राजस्थान के किसानों का एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुला सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी सामने आई कि 6 जुलाई को ये सम्मेलन होने जा रहा है, बिरला में सम्मेलन होगा और सभी 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और उनसे राय ली जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर और दे रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कहा है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जब राजस्थान सरकार ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के फंड से जारी कर चुकी है और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है? यानी कि कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तक राजस्थान सरकार लगातार इस बात का दबाव बना रही थी कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। लेकिन अब जब ईआरसीपी को लेकर केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को ईआरसीपी का काम रोकने के लिए निर्देश दिए हैं, तो राजस्थान सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर एतराज जताया है और साफ तौर पर कहा है कि इस ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ का बजट आवंटित हो चुका है, काम शुरू हो चुका है और पानी हमारा है, पैसा राज्य का है, पानी भी राज्य का है, तो ऐसे में केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए नहीं कह सकती है, क्योंकि ये राजस्थान के 13 जिलों के लोगों का हक का मामला है, उनके पीने के पानी और सिंचाई परियोजना का मामला है। ऐसे में जो है राजस्थान सरकार ईआरसीपी का काम नहीं रोकेगी। साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार को और प्रदेश भाजपा को भी दोषी ठहराया कि वो ईआरसीपी के काम को शुरू करने में रोड़े अटका रही है। और इसी को देखते हुए 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बैठक बुलाई थी और 10 जुलाई को दौसा में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है ईआरसीपी को लेकर। जयपुर में 6 जुलाई को राजस्थान सरकार ने सम्मेलन बुलाया, जिसमें 13 जिलों के किसानों को बुलाया गया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, ताकि उनसे चर्चा की जा सके और ईआरसीपी को ठीक तरीके से लागू किया जा सके, इसका काम शुरू किया जा सके, इस पर विचार विमर्श होगा और राजस्थान सरकार
क्योंकि लगातार इस बात पर हमलावर रही है, तो ऐसी स्थिति में माना ही जा रहा है कि राजस्थान सरकार इसमें जो है कहीं बैक होने वाली नहीं है और केंद्र सरकार को भी इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और 10 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें भी ये अहम फैसला कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां पर खुद जल संसाधन मंत्री शामिल होंगे, भाजपा के जितने भी बड़े पदाधिकारी है वे भी उसमें शामिल होंगे। और क्योंकि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर 13 जो जिले हैं उनमें स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है और वो राजनीतिक मतभेद भुलाकर जो है इस योजना के नाम पर सब एकजुट है। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती है कि इस मुद्दे को हाथ से जाने दिया जाए। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि 6 जुलाई को जो राजस्थान के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे वो और राजस्थान सरकार क्या निर्णय करती है, लेकिन देखना यह भी है कि 10 जुलाई को जो सम्मेलन होने वाला है उसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री क्या इस बात का ऐलान करते हैं कि वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करेंगे या उसके लिए प्रयास करेंगे। उनकी उनका जो सम्मेलन है उसका जो निर्णय है वो राजस्थान के लिए अहम साबित होगा। सौरभ नीरज जी, जहाँ ये एक बड़ी बात है कि ईआरसीपी पे जहाँ राजस्थान सरकार इतनी इंटरेस्टेड है, इतना महत्वपूर्ण मान रही है इसे, वहीं अब केंद्र सरकार इसको बंद करने की दिशा में काम कर रही है, तो क्या कुछ कारण ऐसे कुछ सामने आए हैं जिसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है केंद्र की ओर से? देखिए, अब क्या है कि जब राजस्थान सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया, 9,600 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया, क्योंकि पहले पूर्व में केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी और केंद्रीय परियोजना मान नहीं रही थी, घोषणा भी नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं रोड़े भटका रही थी। लेकिन अब भारत सरकार को भी लगता है, स्टेट बीजेपी ने जब इस मामले में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि इनको जब लग रहा है कि 13 जिलों में जो है लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं। देखिए, 2023 में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में जो पूर्वी राजस्थान के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो भी पार्टी ईआरसीपी का विरोध समर्थन नहीं करेगी उसको, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने को लग रहा है कि अगर वो समर्थन नहीं करेगी तो उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले मीटिंग भी बुलाई है, 10 तारीख को दौसा में सम्मेलन भी करने जा रही है। अब केंद्र सरकार के जो जल संसाधन मंत्रालय है उसकी जो चिट्ठी आई है उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया है कि आप हमारा काम, हमारा प्रदेश और हमारा पैसा और हमारा ही पानी और हमारा ही प्रोजेक्ट, इस काम को रोकने के निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव ये रहेगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय पर कि वो इस ईआरसीपी की योजना को केंद्रीय नहर परियोजना घोषित करवा दे, ताकि जो राजस्थान के जो 13 जिलों में लोगों का विरोध का सामना उनको नहीं करना पड़े। अन्यथा तो देखिए, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से ही राजस्थान सरकार इस लड़ाई को लड़ रही है, तो वहाँ के लोगों को भी लग रहा है कि राजस्थान सरकार तो ईआरसीपी को लागू करना चाहती है और परियोजना बनाना चाहती है, लेकिन कहीं कि केंद्र सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। इसीलिए ये जो अभी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, जिसका ऐतराज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया है, वो यही ऐतराज है। और इस ऐतराज को देखते हुए, क्योंकि स्थानीय लोगों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हो सकता है मंत्रालय ने जल्दबाजी में कोई एक तरह से कोई आदेश जारी कर दिया हो, ताकि इस आदेश को 10 तारीख को जो सम्मेलन होगा उस दौरान भी तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कुछ घोषणा करेंगे। जब लाखों लोग वहां इकट्ठा होंगे इस मुद्दे पर, तब भी तो उनको कुछ न कुछ ऐलान करना पड़ेगा। अगर वो ऐलान नहीं करेंगे तो बैकफुट पर जाना पड़ेगा और 13 जिलों में पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस विरोध के सामने से बचने के लिए दोनों ही पार्टियां चाहती है कि इस योजना को त्वरित ढंग से लागू किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार अभी तक इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद में वो भी इस विषय में कोई न कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। सौरभ, चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईआरसीपी से जुड़ा मामला, 6 जुलाई को जयपुर के अंदर बिरला सभागार में सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर 13 जिलों के किसान और जनप्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं।